हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सोनम। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ ऐसी स्टेजेस, कुछ ऐसे फेजेस आते हैं जो बच्चों के अंदर मतलब वेरिएबल चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिन्हें देखकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, लेकिन आप जो है ना फ़ौरन डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ये सब नॉर्मल है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ कि आपको उसे देखकर टेंशन नहीं होगी कि हाँ ये नॉर्मल चीज़ें हैं। तो आपको ये वीडियो स्टार्ट पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉट होना, मतलब एक ऐसी चीज़ होती है बच्चे की, या तो बच्चे के मिड में होता है या बैक पर होता है, वो आपके बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पर है। कुछ ना हेड में ऐसा लगता है कि बहुत सॉफ्ट सा पार्ट है जो मतलब हिलता रहता है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारे बच्चे के ऐसा क्यों हो रहा है। आप डॉक्टर के पास फटाफट जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसका कुछ वेरिएबल टाइम होता है, कुछ बच्चे कितने टाइम में उनका हेड जो है वो भरता है, अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि ऐसा लगता है हम लोगों को ना कि ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे सॉफ्ट सी चीज़ हिलती रहती है, हिलता रहता है, जैसे नसें उसकी थोड़ी सी हिल रही हैं, बट ये बहुत नॉर्मल है, हर बच्चे के अंदर होता है। किसी का बैक पे होता है और किसी का हेड के मिड में होता है। बालों की वजह से बच्चों का नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये बहुत एक नॉर्मल सी बात है। आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी बच्चे का किसी टाइम में भरता है, किसी बच्चे का किसी टाइम में भर जाता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। इसकी पिंपल्स और रेडनेस होना, देखिए इस चीज़ पर मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाई हुई है कि ये बहुत नॉर्मल है, अपने आप ठीक हो जाता है, इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप इसकी होम रेमेडी भी मैंने उस वीडियो में बताई हुई है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो इस चीज़ की आपकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये रेडनेस और दाने जो है ना, क्योंकि बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन बाहर आने के बाद थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कई बार बहुत तेज होता है और कई बार बहुत धीरे हो जाता है, तो ये उस चीज़ के स्पॉट्स होते हैं और ये टाइमली अपने आप चले जाएंगे। इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थर्ड चीज़ ये है कि बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। देखिए बच्चा अंदर पानी के अंदर रहता है, तो वो बाहर आने के बाद जब उसको हवा लगती है या कुछ भी है, तो मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ना उसकी स्किन बहुत ज़्यादा लेयर उतरने लगती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे आप उसकी मसाज करते हैं, नॉर्मली लोशन लगाते हैं या ऑयल लगाते हैं, आप उसी को यूज़ करिए और उसकी जो है ना वो लेयर हट के उसकी स्ट्रांग वाली लेयर आ जाएगी और वो स्किन उसकी नॉर्मल हो जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है आपको स्पेशल डॉक्टर के पास जाने की या स्पेशली उनसे कोई मेडिसिन लेने की, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। आप ये जो है ना, आप जो मसाज ऑयल या लोशन यूज़ कर रहे हैं उसी से ये अपने आप चली जाएगी। नंबर फोर ये है कि बच्चे का बार बार छींक मारना। अगर बच्चा बार बार छींक मार रहा है तो ये नॉर्मल है, क्योंकि उसके जैसे हवा है या बाहर का उसके लिए टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो इस चीज़ की आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि हर छींक मारने का मतलब कोल्ड ही होता है और आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि बच्चा को कोल्ड हो रहा है या कोई मेडिसिन दे दो, इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है आपको। इस चीज़ के लिए मैं भी डॉक्टर के पास गई हूँ, तो उन्होंने कहा कि हर छींक मारने का मतलब ये नहीं होता है कि कोल्ड हो रहा है आपके बच्चे को। छींक मारना एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है और बच्चा आराम से ठीक हो जाएगा। फिफ्थ चीज़ ये है कि बच्चे का बार बार स्टूल पास करना। जी हाँ, बच्चे की बार बार पॉटी करना। बच्चा अगर एक दिन में 50 बार भी पॉटी कर रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टूल पास करता रहेगा, क्योंकि आप पूरा का पूरा जो बच्चा है ना आपका, वो पूरा आपके फीड के ऊपर डिपेंड है, तो इससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो हर चीज़ से स्ट्रांग बनेगा। बच्चा बार बार स्टूल पास करता है, बच्चा चाहे 1 डे में 10 टाइम्स करे या 10 डेज में 1 टाइम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा मतलब नॉर्मल है, वो हेल्दी है, इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। देखिए सिक्स चीज़ की, बच्चा बार बार दूध निकाल रहा है, बच्चा बार बार स्पिट कर रहा है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध निकाल रहा है, मतलब कि जैसे फटी सी दही होती है उस टाइप का अगर वो मिल्क निकाल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है ना, अगर आप उसको बर्फ दिलवाएंगे, डकार दिलवाएंगे और उसके साथ वो अगर दूध निकाल रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि बच्चा आपका हेल्दी है। अगर वो फटा हुआ दूध या मतलब फटी हुई दही टाइप कुछ निकाल रहा है, गाढ़ा गाढ़ा सा, तो यानी कि आपका बच्चा हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता है कि उसको कितना फीड करना है, कितना नहीं करना है, तो कई बार ना बच्चा बर्फ के साथ वो काफ़ी सारा मिल्क निकाल भी देता है। अगर ये बच्चा बार बार कर रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। अगर वो कभी कभी कर रहा है, तो कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ ऐसे 6 थिंग्स हैं जो बच्चे के लिए मतलब डेली लाइफ में नॉर्मल है और आप लोग बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं और डॉक्टर के पास भागते हैं। इस चीज़ को लेकर डॉक्टर के पास मत जाइए, और ये बहुत सी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, अपने आप बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।